अव्यभिचारी भक्ति। इसलिए उन्होंने कहा 50 साल तक अपने सब देवी देवताओं को भूल जाओ, एकमात्र जगत जननी भारत माता ही तुम्हारी चिन्मयी आराध्या बने, उसके पुत्र तुम्हारे अपने सहोदर भाई बने, ऐसे तुम रहो। क्योंकि भारत भक्ति में से हिंदू शक्ति यानी दुनिया में मानवता की धर्म की शक्ति जागृत हो रहा, उसके आधार पर सब चलेगा तो समन्वय ही होगा, और क्या होगा। पश्चिम और पूर्व का समन्वय होगा, स्पर्धा नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, विज्ञान और आध्यात्मिकता का समन्वय होगा, रिलीजन का प्रश्न नहीं है। रिलीजन एक बंद चीज है। मुझे लगता है कि हम ये जो सारा विचार करते हैं ना, हमको भी ये विदेशी विचार विश्व के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। विदेशी विचार विश्व को जानना चाहिए, उसमें अवगाहन करने की अपनी शक्ति बनी रहनी चाहिए, लेकिन हर बात को उसी चश्मे से देखना हम बंद करें। हम अपनी बात को देखते हैं, हमारे शब्दों के। हमने ये थीम दी क्यों फोन के डॉक्टर फोन के साहब को कि साइंस और रिलीजन, हमको साइंस और स्पिरिचुअलिटी कहना चाहिए था। ये शब्दों की गलत हमसे क्यों होती है, क्योंकि हम सब मैकॉले साहब की शिक्षा पद्धति में पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं, आज की पीढ़ी भी उसी में पढ़ रही है, और क्या है। हमको तो कुछ अपना इतिहास, कुछ अपने विचार शिक्षा पद्धति के द्वारा मिले हमारी पीढ़ी को, आज तो वो भी निकाले जा रहे हैं। तो हमको भी डीकॉलोनाइज होना पड़ेगा, नहीं तो हम विवेकानंद को समझ नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा मरने के पहले, कुछ घंटा पहले, कि शायद फिर से दूसरे विवेकानंद को आना पड़ेगा, तब वो समझेगा कि ये विवेकानंद दुनिया में क्या कर रहे हैं। हमको थोड़ा भी अगर समझना है विवेकानंद को, तो हमको कम से कम हिंदू मस्तिष्क पूर्णतः रखकर विचार करना सीखना पड़ेगा। सीखा जा सकता, सीखना चाहिए। और इसलिए धर्म एक अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है, या मोक्ष है आध्यात्मिकता, मनुष्य है या जीव है, जीवंत है तो उसकी कामना है, उसको देह मन बुद्धि है। तो आहार निद्रा भय मैथुन च कामना, ये काम पुरुषार्थ प्रकृति दत्त मूल पुरुषार्थ सबको मिला है, लेकिन वो चैतन्य आत्मा से मिला है, इसलिए अध्यात्म भी सब में है, लेकिन वो सुप्त है, ये प्रकट है। इसलिए मनुष्य भी पहले उसको समझता है, लेकिन उसके लिए सब लोग अर्थ का वर्णन करते, करना ही पड़ता है। ये कामना पूर्ति के लिए साधन चाहिए, उसके लिए अर्थ पुरुषार्थ सबको करना पड़ता है। और ये करते समय ध्यान में आता है कि ये तो थका देता है और तृप्त भी नहीं करता है, ये झंझट न मेरा पेट नहीं होता तो कितना अच्छा होता, गरीब आदमी कई बार कहता है, नाटक में भी ये वाक्य मिलता है, एक भगवान तूने अगर एक पेट नहीं दिया होता तो आदमी कितना सुखी बनता। तो सर्वसाधारण सब मनुष्यों को इससे मुक्त होने की इच्छा होती है, और इसलिए मुक्ति भी सबको मालूम है, अपने अपने तरीके से सब लोगों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया है। रुद्री नाम वैचित्र्यात् रुज कुटिल नाना पथ जुषाम, किसी ने सीधा विचार नहीं किया, वो उधर से उधर से उधर से उधर से। हम लोग प्रवास तय करते अपने, तो ऐसा होता है कई बार, जिनको आदत नहीं प्रवास तय करने की, वो पहली बार बैठ जाते तो ऐसा आड़ा टेढ़ा चुनते, कोई फिर कोई देखता है ऐसा क्योंकि सीधे ट्रेन है, तो हमको मालूम नहीं था। तो होता है ऐसा, जिसकी जितनी पहुंच है, जितना ध्यान है, जैसी दृष्टि है, वैसे उसके रास्ते है। लेकिन अब कामना को एक तरफ खींचेंगे तो मनुष्य जीव दुखी बनेगा, साधनों के पीछे बहुत ज्यादा लग जाएंगे, उनको छोड़ना नहीं सीखेंगे, दुखी होंगे, और अतिरेकी मोक्ष के तरफ जाएंगे तो भी दुख है। महाभारत काल में ऐसी, वो अधर्म का काल क्यों है, ये एक्सट्रीमिज्म तब पॉपुलर हो गया था, अच्छाई में भी एक्सट्रीमिज्म, बुराई में भी एक्सट्रीमिज्म। कौशिक नाम के एक तपस्वी थे, सब छोड़कर तपस्या करने के लिए गए, तपस्वी हो गए, सिद्धि प्राप्त हो गए, वाह वाह इतनी सिद्धि हो गई। एक दिन बैठे थे ध्यानस्थ, पंछी जा रहा था, उसने विष्ठा कर दी, इनके सर पर गिरी, गुस्सा आ गया, ऊपर देखा वो जलकर भस्म हो गया। इनको लगा क्या मेरी ताकत है, वाह वाह बहुत अच्छा, स्नान वान किया,
भिक्षा मांगने के लिए शहर में गए, एक व्यापारी के घर के सामने खड़े हो गए, ओम बहुत ही भिक्षा दी, वो घर की माता जी वो आ गई भिक्षा लेके, उतने में उनका पति घर का मालिक वो आ गया बाहर से, तो इन्हें भिक्षा बाजू रखी, उसकी आवभगत की, पैर धोने के लिए पानी दिया, सब ठीक, बैठना पानी वानी पूछा, खाना पीना पूछा, सब होने के बाद फिर से अब ये धूप में खड़े और ये वैसे ही जल बुन रहे कि भिक्षा लेके आधा रास्ता चल के आई थी वो रख दिया, और वो पति के लिए गई, तपस्वी के लिए नहीं आई। जिस देश में इस भगवे कपड़े का मान होता है सन्यासी को, उसमें ऐसा हो रहा है वगैरह वगैरह जो कुछ सोचा होगा, आ रहे भिक्षा देने के लिए और वो देख रहे गुस्से से उसको, तो भिक्षा डालते डालते उसने कहा कि महात्मा जी इतना आंखें तरेर का मत देखिए, मैं कोई चिड़िया नहीं है जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा, ये ऐसे कैसे हुआ, इसको कैसे पता। उसने कहा देवी तुम इसको कैसे जानते हो, तुमको ये शक्ति कहाँ से मिली। तो बोले मैं तो इतना ही बताऊंगी कि स्वकर्तव्य के आचरण से ये शक्तियां प्राप्त होती है, उसके लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु इस मामले में आपको उपदेश करने का मेरा अधिकार नहीं है, आपकी अगर जिज्ञासा है तो आप मुझे मत पूछिए। दूसरे शहर में एक मांस बेचने वाला धर्म व्याध नाम का खटीक रहता है, वो अधिकारी है, उसको पूछिए। कमाल है, मैं इतना बड़ा तपस्वी योगी और वो खटीक मुझे उपदेश करेगा, लेकिन अभी इसलिए तो बताया था प्रत्यंतर, उसको पता चल गया तो वो चलो जाके देखेंगे। गए उस शहर में तो दूर से वो धर्मव्याध अपनी दुकान में बैठा था मांस की बिक्री करते हुए, देखा उसने तो कहा महात्मा जी इधर मत आइए, आपको ये सहन नहीं होगा सर, आपने कभी देखा नहीं, आप वहीं से मुड़ जाइए और आगे चल के दाहिने तरफ वो आम का पेड़ है उसके नीचे मेरी कुटिया है, वहां बैठिए मैं आता हूँ। इनको और आश्चर्य, इसको इसके ही पास जा रहा हूं मैं, ये पता कैसे चला। जाके बैठ गए उसके घर पर, थोड़ी देर में अपना धंधा पूरा करके दुकान बंद करके वो गया, पहले अंदर जाके अपने वृद्ध माता पिता की सेवा की, खाना पीना पानी उनका देखा, बाद में आकर इनको भी यथोचित जल देकर अर्घ्य देकर फल वल देकर सत्कार नमस्कार किया और फिर कहा कि कही आपकी क्या जिज्ञासा है। तो उनका जिज्ञासा तो बहुत है, लेकिन पहली तो ये है कि ये तुमको भी कैसे पता चला ये बताओ। तो सर महाराज जी ऐसे है कि तप का प्रकार अलग अलग होता है, मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन भाई सब लोग मुक्ति के लिए हिमालय में चले गए तो ये भगवान की इच्छा से सृष्टि चली चलेगी कैसे, तो चलाना भी कर्तव्य है ना, अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी रुचि है, ठीक है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, किसी को दबाकर कुछ नहीं चल सकता, लेकिन अपना अपना संयम करना चाहिए क्योंकि अपना अपना कर्तव्य है। सब लोग यह लोक में और परलोक में सुखी हो और समाज की धारणाओं समाज जुड़ा रहे ऊपर उठे चलता रहे, इसलिए प्रत्येक का जो निर्धारित कर्तव्य है स्वे स्वे कर्ण कर्मण्य वीरता संसिद्धिम लभते नरा, उसको करना यह धर्म है। ये धर्म चौथा पुरुषार्थ है, वो तीनों पुरुषार्थों का अनुशासन है साथ चलने के लिए। धर्म और विज्ञान ऐसी बात ही नहीं है, धर्म वैज्ञानिक है, धर्म ये सारा अध्ययन करके चलता है, अनुभव के आधार पर चलता है, शाश्वत तत्व उसके नहीं बदलते, देश काल परिस्थिति के अनुसार आचार धर्म बदलते रहता है, हमने नहीं बदला, कभी रही होगी वर्ण व्यवस्था, कभी रही होगी जाति, अब आज क्या करना, आज भाई सोचो 21वीं सदी में इस प्रकार का जीवन हमारा है और इस समाज को हमको चलाना है, जोड़ के रखना है, उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है, कौन सी व्यवस्था चाहिए, नई स्मृति की आवश्यकता है। कभी रहा होगा किसी कारण कि मत जाओ भाई मंदिर में, आज हमको नहीं पता क्या है, हम वो चर्चा को भी निरर्थक मान लो, मैं तो हमारे पूर्वजों ने सही किया कि गलती किया, ये चर्चा इसलिए निकली कि तुम्हारे पूर्वज गलत थे ऐसा अंग्रेजों ने कहा, नहीं नहीं हमारे पूर्वज सही थे ऐसा हमको युक्तिवाद करना पड़ा, तो दबे थे उन्होंने कहा कि सही थे, हम तो मार खा रहे गलत थे, फिर गलत थे सही थे, गलत थे सही थे, अरे जो बदलना है उसको बदलने की बात रहेगी बाजू, कौन सही कौन गलत, अब पूर्वज भी नहीं रहे कोई नहीं रहा, हम 21वीं सदी में है, उनके सही गलत को लेकर हम आपस में सर फोड़ रहे, छोड़ दो जो हुआ जो हुआ उसको क्या करना है, वी वॉन्ट अनटचेबिलिटी टू गो आउट लॉक स्टॉक एंड बैरल, उसके लिए क्या करना है, जैसे देखा मेरी इच्छा है
मेरी इच्छा क्या कईयों की इच्छा है। लेकिन अगर हमारी शक्ति अगर ऐसी बनी है, ऐसा अगर हमारा अनुमान होता है, तो मैं सरकारवादी को कहने वाला हूं कि एक कार्यक्रम अगर हम दे सकते हैं कि सबका, सब हिंदुओं का श्मशान एक हो, क्योंकि जाति भेद हिंदुओं में ही है, सब हिंदुओं का श्मशान एक हो, पानी की जगह एक हो और मंदिर एक हो, एक हो यानी जितने मंदिर है वो सबके लिए खुले हो, जितनी पानी की जगह है वो सबके लिए है, जितने श्मशान है हिंदुओं के सब हिंदुओं के लिए खुले, इतना तो कर सकते हैं। हमको जिस रास्ते पर चलने की इच्छा है, धर्म का केंद्र मनुष्य है, मानव को केंद्र मानकर, मनुष्यता को केंद्र मानकर सारा विचार हुआ है, ईश्वर की प्रभुता को मानकर वो चलता है, ये बात सही है। लेकिन ईश्वर की अभिव्यक्ति क्या है और ईश्वर की ओर सारी दुनिया को धीरे धीरे ले जाने का कौन काम करता है, मनुष्य करता है। इसलिए धर्म भलाई के लिए है, अभ्युदय निश्रेयस, किसका, सबका। नहीं, हमारा धर्म ऐसा नहीं है मैक्सिमम गुड ऑफ दी मैक्सिमम पीपल, नहीं भाई, एक भी आदमी अगर दुखी होता है तो हमारे धर्म के या तो नियमों में या तो आचरण में कहीं ना कहीं चूक हुई है। धर्म कभी दुख नहीं देता, धर्म की कभी एक्सट्रीम पर नहीं जाता, तो हमें हमेशा मध्यम मार्ग रहता है, धर्म हमेशा फायदा करता। इसलिए तथागत बुद्ध ने फिर से जो व्याख्या की अपने देशकाल परिस्थिति के अनुसार धर्म की, उसमें चार कसौटियां बताइए, उसको ध्यान में रख के आज क्या करना है, इस पर चलो, ऐसा चलना है तब हिंदू शक्ति खड़ी होगी, ये भारत भक्ति के आधार पर खड़ी होगी। भारत माता का हर पुत्र मेरा सहोदर भाई, इनकी भक्ति इनके लिए, और इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको जीवन जीना पड़ेगा। स्वामी जी की कहानियां अगर हम करते, स्वामी जी का जैसा निर्भय हमको बनना है, क्या होगा, बर्बाद होंगे और क्या होगा, सारी दुनिया के खिलाफ खड़े होकर हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदू की जय बोलेंगे, अधिक से अधिक क्या होगा, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद होंगे, डरना क्या। स्वामी जी कहते थे कि अद्वैत ब्रह्म, ये सत्य है, और ये अगर सत्य है तो बाकी इस मायामय जगत की क्या कीमत है, इसमें क्या है? और अगर अद्वैत ब्रह्म सत्य नहीं है तो इस मायामय जगत की क्या कीमत है, ऐसे जीना ही निरर्थक है। केवल कण ही सत्य है और जड़ ही सत्य है तो हमारा अस्तित्व निरर्थक है, चर्चा निरर्थक है। एक दिन सबको मर जाना है, उसके बाद क्या है किसी को पता नहीं, कभी संयोग से फिर से वही परमाणु संयोग होंगे, तब जिसको पुनर्जन्म कहते होगा वो मेरा नहीं होगा, उन कणों का होगा, उन कणों में कोई भावना नहीं, जीव नहीं। तो ऐसी दुनिया में हम रहे क्या न रहे क्या, बेकार की निरर्थक जीवन है अगर ब्रह्म सत्य नहीं है, और ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या है। इसलिए वो कहते थे कि फिर डरना क्या है, एक कोई अच्छा तत्व छोटा सा उसको स्वीकार करो, उसके पीछे जीवन की सारी शक्ति लगा दो, तुम सारी दुनिया में कोई दैदीप्यमान कर्तृत्व कर जाओगे और तुम्हारा अपना जीवन भी उन्नत हो जाएगा। हम हिम्मत कर सकते, स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की हिम्मत करनी है, निर्भय बनकर, स्वगौरव पे अधिष्ठित होकर, अपने दिमाग से सारा विदेशी प्रभाव निकालकर, स्वदेशी विदेशी ऐसा भेद करना, ये भी विदेशी परंपरा है। अर्थतंत्र के स्तर पर, विकास की योजना के स्तर पर, हमको देशकाल परिस्थितियां सुनो, उपयुक्तता का विचार करते समय हम कहते हैं कि स्वदेशी है, मनुष्य की स्वतंत्रता के लिए, स्वावलंबिता के लिए हम कहते हैं कि यह स्वदेशी है, अहिंसा के पालन के लिए हम कहते हैं कि यह स्वदेशी है, वो कहना चाहिए, स्वदेशी का प्रचार करना चाहिए, स्वदेशी के आधार पर जीवन खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, हम लघु चेतस नहीं है। हम कहते तुम अपनी स्वदेशी चुनो ना भाई, तुम्हारे देश ने, तुम्हारे देश के लोगों का रोजगार ठीक रहे, उनकी उन्नति हो, तुमको दूसरे पर निर्भर न होना पड़े, और जो तुमको लेने की इच्छा है अपनी शर्त पर लेना पड़े, ऐसी व्यवस्था तुम्हारी तुम खड़ी करो, हमारी हम खड़ी करते, इसमें विरोध कहां है। और तुम्हारा जो कुछ अच्छा है वो हमको चाहिए,
जो जीवन को उन्नत करता है, जो क्रतु है, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। हमारे यहां ज्ञान का पैटर्न नहीं है, हम स्वदेशी के लोग उस पैटर्न का विरोध करते हैं, इंटेलेक्चुअल पैटर्न हमको मंजूर नहीं। ज्ञान सबकी संपत्ति है, उसका क्या पैटर्न है? मनुष्य हित के लिए आवश्यक ज्ञान मेरे हाथ में लगा तो मैं उसको कमाऊं भुनाऊं, मैं तो उसको बांटूंगा। हमारे यहां तो रामानंदाचार्य हो गए जिनके गुरु ने उनको बताया कि बड़ा गुप्त मंत्र है, तुमको मैं बता रहा हूं, तुम जब करोगे तो उद्धर जाओगे, लेकिन इसको अगर प्रकट करोगे ना तो नरक में पड़ जाओगे। तो मंत्र लेते ही वो मटके महाद्वार पर जाकर खड़े हो गए, सब लोगों को चिल्ला चिल्ला के बुलाया, अरे ये मंत्र जीवन का उद्धार करता है, मैं आपको बता रहा हूं। शिष्यों ने कहा ये तुमने क्या किया नरक में? तो बोले मैं अकेला नरक में जाऊंगी, इतने जीवों का उद्धार हो जाएगा। हम पेटेंट वाले लोग नहीं है, हम जो स्वदेशी कह रहे हैं वो वास्तव में हिंदुत्व है, उसके आधार पर दुनिया को प्रकाश मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वता, ये भी हिंदुत्व है, स्वगौरव स्थित होंगे। और हम ये जो सारा करेंगे वो किस लिए करेंगे? मेरा नाम हो इसलिए, मुझे कुछ मिले, टिकट मिले अगले कॉर्पोरेशन चुनाव में इसलिए? ऐसी आदत ही छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत लोग फोटो निकालते हैं साथ में खड़ा होगा, क्या पढ़ा है उसमें भैया? ये आदत आदत बिगड़ने की बात है, अपने मन को क्यों आप ललचा रहे हो फालतू, ऐसा मत करो, ये नशोर बातें हैं, इसके पीछे मतलब निष्प्रभ बनो। ना मेरा नाम होगा ना कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निष्प्रभ बनकर अपने आप को समर्पित कर देना। और किस लिए? सेवा करने के लिए। अपने आप को समर्पित करने के बाद, ऐसा होने के बाद मेरी भी 150वीं जन्म शति लोग संपन्न करेंगे विवेकानंद जैसा। इसलिए नहीं करना, विवेकानंद जी को यह मालूम नहीं था ऐसा होने वाला है। हम सेवा करने के, यादव राव जी जोशी हमारे एक कार्यकर्ता, उनको भेजा कर्नाटक में, और वहां के एक बड़े प्रसिद्ध बेंद्री जी नाम के कवि थे, उनको मिलने के लिए गए, संघ के बारे में चर्चा हो गई। तो बेंद्री जी ने आखिर में पूछा, बहुत अच्छा, तो जोशी, मिस्टर जोशी, तरुण थे जोशी और ये बुजुर्ग थे, मिस्टर जोशी आपने कर्नाटक के लिए कौन सा मैसेज लाया है? तो यादव जोशी जी ने कहा कि मैंने कोई मैसेज नहीं लाया, मैं तो कर्नाटक के लोगों की सेवा करने के लिए आया। तो फटाक से कविराज ने कहा कि हाँ, आप यहां संघ का काम खड़ा कर सकते हो। हमको क्या करना है? सेवा करनी है। ये तुच्छ देह जहां से मिला है, ये मन, ये मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार जिनके कारण बने, उनकी सेवा करनी है, और क्या है? जिसको मुझे देखना है वो मेरे सामने उपस्थित है और कह रहा है कि मेरी सेवा करो, मैं कहां इधर उधर भागू, मैं कहीं जाके क्यों नारियल फोड़ू, कहीं जाके क्यों विकट अनुष्ठान करूं जो संभव नहीं है सामान्य दिनचर्या में। सामान्य दिनचर्या में संभव है वो जन जनार्दन में, जो जनार्दन जन बनकर मेरे सामने आता है, शिव जीव में अवतीर्ण होकर मेरे आता है, ये प्रत्यक्ष नारायण है, इसकी मैं सेवा करूंगा, उसकी सेवा के लिए मैं। ऐसा सोचकर हम अपना जीवन जी सकते हैं क्या? अपने बुद्धि को पर प्रत्यय मुक्त, बुद्धि है लेकिन उसको सहृदय रुखा नहीं, रुखा नहीं, केवल बुद्धि से विचार करने से मिलता नहीं है, केवल हृदय से। बताया ना, उभाभ्याम एवं पक्षायाम यथा ज्ञान कर्म, ऐसा कुछ उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणाम गति, आकाश में जैसे पक्षी की गति होती है दोनों पंखों से होती है, तथा ज्ञान कर्मभ्याम जायते परमम पदम। परमम पदम को पाना है तो ज्ञान चाहिए और कर्म चाहिए, स्किल चाहिए और नॉलेज चाहिए। लेकिन स्किल और नॉलेज का क्या मतलब है? भक्ति चाहिए, बिना भक्ति के ज्ञान रावण को जन्म देता है, बिना भक्ति का कर्म अव्यवस्थित कर्म, प्रसाद हीन कर्म, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादों पे भयंकर, यहां तो प्रसाद हीन कर्म आता है,
पागल हो जाता है। तो इन तीनों के पीछे, दोनों के पीछे हृदय चाहिए, आपकी कृति के पीछे, आपकी सोच के पीछे। और इसलिए ऐसा सहृदय बुद्धि से सुसंदर्भित समझते हैं। क्या विवेकानंद को समझना, मैंने कहा ना विवेकानंद को समझना है तो कम से कम रामकृष्ण परमहंस को पढ़ना पड़ेगा भैया। अकेला विवेकानंद पढ़ के नहीं चलेगा। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग, श्री रामचरित, रामकृष्ण वचनामृत, ये सारा पढ़ना पड़ेगा, तब आपको विवेकानंद समझ में आएंगे। विवेकानंद बार बार उनका हवाला देते। तो ऐसा सारा गहरा विचार करके अगर हम चलेंगे और प्रेम सहित किसी से बैर मन में न रखते हुए, लेकिन इस सत्य को, इस ऋत को बचाने के लिए जो करना आवश्यक है वो करते हुए दृढ़ संकल्प लेकर चलने का साहस ये करना है, ये अगर हम करेंगे तो हिंदू शक्ति और भारत भक्ति के आधार पर भारत की सनातन परंपरा का ज्ञान विवेकानंद के विचारों के माध्यम से संपूर्ण दुनिया प्राप्त करेगी और नई सुखी सुंदर दुनिया गढ़ी जाएगी। और अगर ऐसा संकल्प करके इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हम हुए तो वातानुकूलित सदन में नरम गद्दी वाली कुर्सियों पर बैठकर बड़े अच्छे अच्छे पुष्पिता वाचा में लफवाजी शब्दों में हमने स्वामी विवेकानंद के विचारों की ये जो चर्चा की है, वो चर्चा, उसके बोल मात्र हवा में लुप्त नहीं होंगे, वो जरूर दुनिया के जीवन पर एक चिरकाल टिकने वाला, दिशा बदल देने वाला परिणाम करेंगे। ऐसे परिणामकारी ये परिसंवाद हो, इतनी बात करके मैं अपनी वंदे मातरम श्री चंद्रार्क रणावल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं, वंदे मातरं, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजैर द्रुत खर कर वाले, अबलाम के रोमायत वाले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुम्हें वेद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा, वंहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुमारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंहि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला
नमामि त्वाम् नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलाम् सुफलाम् मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं मातरम। भारत माता की जय।